हेलो तो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं कृष्ण मेघवाल फिर से आपके लिए एक रीजनिंग का न्यू चैप्टर लेकर आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है कथन की सत्यता की जांच करना। कथन की सत्यता की जांच करना ये एक चैप्टर है रीजनिंग का। और ये यानी कि कौन सी रीजनिंग चल रही है अपनी, बताओ। आप बोलोगे सर वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का कौन सा, बताओ, वर्बल रीजनिंग का कौन सा चैप्टर है? कथन की सत्यता की जांच करना। समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर ही सर नॉर्मल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है सर। इस चैप्टर को व्यक्ति यानी कि एक बार फटकर याद कर सकता है सर, जन्मों जन्म। समझ में आ गया? फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल सरल चैप्टर है सर पूरी रीजनिंग में। समझ में आ गया? और ये चैप्टर भी आते हैं, और ये चैप्टर रीजनिंग का चैप्टर दिया गया है, और ये वर्बल रीजनिंग में है। समझ में आ गया? रीजनिंग को दो भाग में बांटा गया है, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। समझ में आ रहा है? कथन की सत्यता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक है, न्याय से सदा संबंध रहता है, बताओ न्याय का सदा संबंध किससे रहता है? आप बोलो सर कपट से रहता है क्या? आप बोलो सर न्याय का संबंध कभी कपट से नहीं रहता। न्याय का संबंध उदारता से भी नहीं रहता कि उधार में यानी कि कुछ दिनों के बाद में न्याय कर देंगे यार, उधार रख ले, ऐसे संबंध नहीं रहता। न्याय का संबंध किससे रहता है? न्याय संघर्ष से। समझ में आ गया? न्याय संघर्ष से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है? एक पेड़ के साथ सदा होता है, बताओ पेड़ के साथ हमेशा यानी कि परमानेंट क्या रहता है? पत्तियां रहती है क्या? आप बोलो सर पत्तियां कुछ समय जब इन समय खराब हो जाता है यानी कि तूफान अंधकार कुछ भी आ जाता है तो पत्तियां झड़ जाती है क्या? पुष्प हमेशा पेड़ के लगे रहते हैं क्या? आप बोलो सर पुष्प हमेशा पेड़ के नहीं रहते, जब उनका समय चला जाता है तब पुष्प टूटकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जड़े पुष्प यानी कि पेड़ के हमेशा जड़ी रहती है, जड़ों के माध्यम से ही पेड़ का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जड़े। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर तीन पर चलते हैं। कथन की सत्यता की जांच करना ये एक चैप्टर है और इसको हम पढ़ रहे हैं और इसको रीड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर तीन बताओ, सौदेबाजी में सदा होता है यानी कोई हम सौदाबाजी करते हैं, सौदा यानी क्या होता है? किसी सौदेबाजी यानी किसी सौदे को बेचना। समझ में आ गया? तो क्या होता है? सौदेबाजी होता है। सौदेबाजी में हमेशा लाभ होता है क्या? बोलो फिर लाभ नहीं होता, घाटा भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। घाटा ही होता है क्या हमेशा? बोलो फिर हमेशा घाटा नहीं होता, लाभ भी हो सकता है, लेकिन सौदेबाजी में हमेशा आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके साथ करेक्ट आंसर है। इसे भी नोट करो, इसे भी क्या करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है कि बहादुरी में सदा सम्मिलित है, बहादुरी में सदा सम्मिलित क्या हो रहता है कि बहादुरी में सदा क्या रहता है? अनुभव। आप बोलो सर बहादुरी में सदा अनुभव नहीं रहता यानी कि बहादुर पर अनुभव के भी हो जाते हैं। शक्ति बहादुरी दिखाता है कोई तो उसमें हमेशा शक्ति रहती है क्या? आप बोलो सर नहीं रहती, लेकिन जो बहादुरी दिखाता है उसमें हमेशा साहस रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें, इसको भी छापो, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। आश्चर्य में सदा रहता है, बताओ भीड़ भाड़ आश्चर्य, कभी किसी चीज के बारे में सोचते हैं हम आश्चर्य हो जाता है एकदम से, आपको कोई झटका देकर बोले आपने परीक्षा देने ही नहीं गए एग्जाम में कभी, अरे आपको अगर कोई बोले आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप आश्चर्य तो कितने हो जाओगे क्या? हाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना। हाँ, तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि आश्चर्य में सदा रहता है। आप बोलोगे सर आश्चर्य में हमेशा अचंबा रहता है सर, अचंबा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे छापू, समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर इसमें, ये कथन की सत्यता की जांच करना। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर पाँच तक हमने हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर छः पर चलते हैं और बिल्कुल बेसिक जहाँ लेवल तक बता दूंगा सर। समझ में आ गया? इसकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सर, 15 ही क्वेश्चन है इसके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सर 10-15 मिनट में नहीं खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा सर 10 मिनट मान लो, 10 मिनट में इस चैप्टर को उड़ा देंगे हम। ये कौन से पाँच क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छः से स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर छह बताओ, क्वेश्चन नंबर छह क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर छह बोल रहे हैं कि फैक्ट्री में सदा रहता है, बताओ फैक्ट्री में हमेशा क्या रहता है? चिमनी रहती है क्या? आप बोलो चिमनी नहीं रहती, बिजली रहती है क्या? हमेशा बिजली भी नहीं रहती, लेकिन हमेशा श्रमिक रहता है, श्रमिक के बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर श्रमिक हो गया। क्वेश्चन नंबर सात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सात बोल रहा है महिलाएं सदैव होती है, महिलाएं सदैव सुंदर होती है क्या? आप बोलो नहीं सुंदर, कभी कोई कोई महिलाएं सुंदर नहीं रहती, कोई कोई सभी महिलाएं काली रहती है क्या? आप नहीं, कुछ महिलाएं गोरी भी रहती है, सभी महिलाएं आकर्षित रहती है क्या? आप उसे सभी महिलाएं आकर्षित रहती है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सात को भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर आठ पर चलते हैं। मोटे व्यक्तियों का जीवन सदैव होता है, अधिक थोड़ा कुछ, क्या मोटे व्यक्ति हमेशा कुछ रहते हैं क्या? आप उसे नहीं, तो ये तो गलत हो गया। क्या मोटे व्यक्ति हमेशा अधिक होते हैं क्या, यानी कि उनका जीवन अधिक रहता है क्या? आप बोलोगे सर मोटे व्यक्तियों का जीवन अधिक नहीं रहता,
समझ में आ गया। तो मोटिविटी का जीवन क्या रहता है सर? बहुत कम रहता है, थोड़ा रहता है, समझ में आ गया, बहुत जल्दी लड़ उठ जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विद्यालय में सदैव होता है बताओ पुस्तक। पुस्तक तो सर बिना विद्यालय के भी चल, विद्यालय तो बिना पुस्तक के भी चल सकता है। भवन, अरे भवन, भवन और विद्यालय बात एक ही है, तो ऐसे गलत हो गया। विद्यालय में सदैव शिक्षक रहते हैं, शिक्षक होंगे तभी विद्यालय कहलाएगा वो, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ कृषि में सदैव होता है आ बोलो सर ट्रैक्टर। अरे बिना ट्रैक्टर के क्या कृषि नहीं हो सकती क्या? ये क्वेश्चन गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बिजली, बिना बिजली की खेती नहीं होती क्या? बोलो हो जाती है। सी बताओ, सी भूमि, कृषि यानी भूमि के बिना कृषि नहीं हो सकती, भूमि तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। 10 तक नोट करो। 11, 12, 13 पांच क्वेश्चन और बच रहे हैं यार, बहुत छोटा चैप्टर है ये, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है। फिर ये चैप्टर खत्म हो गया सर, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा सर दासा, पाइस आ सकती है, डाइस, दासा नहीं सर डाइस, समझ में आ गया, डाइस यानी पासा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, इसको नोट करो। हाँ सर, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो रहा है और फिर ये चैप्टर का यानी इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे सर। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 होता है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है किसी देश में सदैव होता है बताओ, कोई देश है जिसमें हमेशा वायुयान रहता है यानी हवाई जहाज रहता है क्या? आप नहीं रहता, कोई कोई हमेशा थोड़ी ना रहता है, कुछ टाइम रहता है कुछ टाइम नहीं रहता, हमेशा से ना रहती है क्या? हमेशा नहीं रहती, कुछ टाइम से नाव भी उपलब्ध होती है, कुछ टाइम से नाव खत्म हो गई, मान लो आतंकवादियों ने हमला कर दिया तो क्या हमेशा से ना रहती है क्या? आप नहीं रहती, लेकिन लेकिन किसी भी देश में हमेशा क्या रहता है? क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्रफल हमेशा रहता है सर, समझ में आ गया। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर, चार पाई में हमेशा होते हैं बता, चार पाई बताओ मेरे को, चार पाई में हमेशा गद्दा रहता है क्या? आप बोलो सर हमेशा गद्दा नहीं रहता, हमेशा बाण रहता है क्या? आप बोलो हमेशा बाण नहीं रहता, लेकिन चार पाई में हमेशा पाए रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, रेगिस्तान में हमेशा होता है बताओ, रेगिस्तान में ऊँट रहता है, गाय रहता है, रेत रहता है? आप बोलो सर हमेशा तो सर ऊँट नहीं रहता, कुछ टाइम ऊँट नहीं रहता है, यानी कि हमेशा रेत तो रहती है ना, तो रेत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अखबार में हमेशा होती है बताओ, अखबार में हमेशा तारीख तारीख होती है क्या? आवश्यक होती है, समाचार होता है क्या? हमेशा अखबार में हमेशा समाचार होता है, तो ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आवश्यक समाचार है, समझ में आ गया। आगे चलो, अस्पताल में सबसे अधिक आवश्यक है कमरा, आवश्यक है क्या? अस्पताल तो पहले ही है तो कमरा अस्पताल में नहीं हो क्या? तो ये तो गलत हो गया। नर्स सबसे अधिक आवश्यक क्या है? डॉक्टर होते हैं, नर्स नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए सबसे पहले, हम नहीं हो तो डॉक्टर का करेक्ट आंसर हो गया। तो 15 तक इस क्वेश्चन यानी कि खत्म, यानी सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना ये एक चैप्टर था, इसको भी कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। अगर चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी तरफ से आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ओके, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद जय भारत।